जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए। शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तुम हो नाथ ज्ञान के दाता, तुमसे ज्ञान सब पाते हैं। तुम हो नाथ ज्ञान से ज्ञान सब पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का होश में आ
होश में आऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जय भारत से धर्म खत्म होता चला जा रहा है। कौन सा धर्म? मानव धर्म। मानव धर्म समझ लो दो तरह का है, एक तो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, दुखी का दुख दूर करना, इसको मानव धर्म माना जाता है। लेकिन इस धर्म से बड़ा धर्म है, वो धर्म है जीवात्मा को मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना, यह सबसे बड़ा धर्म है। और इसी वजह से यह मनुष्य शरीर उसने दिया है, एक बार मौका मिला है, बहुत मांगने के बाद, बड़ी प्रार्थना के बाद, कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नल तंदूर लपकाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद फिर एक बार मौका मिला है, मौका दे दिया और सब कुछ बता दिया, दे दिया, किसमें दे दिया, अरे कोई जेब में रख दिया कि लिख कर कागज रख दिया, कि कोई गले में बांध दिया कि हाथ में बांध दिया, लिख करके मुट्ठी में दे दिया। इसीलिए देखो बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, तो मुट्ठी में ही बता दिया। चार पदार्थ कर्तन के, चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही चार चीज है प्रमुख। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ समझो इस मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो कि विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, इसका मतलब ये समझो। धर्म क्या है? एक धर्म यह है मनुष्य का, शरीर से काया का धर्म यह है। क्या धर्म है? कि मदद करो, जीव की रक्षा करो, जीवों को भोजन करा दो, तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर कर दो। मनुष्य जो कपड़ा पहनता है, नहीं है कपड़ा, ये बहुत सारी चीजें आप समझो ये धर्म आते हैं जिनको लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसका फल किसको मिलता है? जिससे करते हैं, किससे करते हैं? हाथ से देते हैं तो उसका फल शरीर को मिलता है, शरीर में ही हाथ है, वो भी शरीर में है, बताते हैं लोगों को, नहीं खिला पाते हैं तो भाई वहां पर रोटी मिलती है, चले जाओ लंगर वहां चल रहा है, फ्री खिलाते हैं, फ्री मिल जाएगा, तो समझो वो भी एक सेवा हो जाती है। तो ये सेवा तो लोग करते हैं, ये धर्म के लोग करते हैं, लेकिन उसका फल किसको मिलता है? जिससे करते हैं उसको मिलता है। मुंह से कहेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, हाथ से करेंगे शरीर के ऊपर अच्छा असर आएगा, पैर से करेंगे, बांटेंगे, खिलाएंगे, ले जाएंगे, रास्ता बता देंगे, अंधे को, बूढ़े को कंधा पकड़ करके और खराब रास्ता पार करा देंगे, सड़क पार करा देंगे, तो ये सब का फल किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। धन खर्च करेंगे तो इसका फल किसको मिलेगा? इसका फल यानी धन में बरकत में मिलेगा। खर्च करने पर मिलता है, खर्च करने पर लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन समझो कि जीवात्मा को इससे कोई फल नहीं मिलने वाला, इसका फल नहीं मिलने वाला है। तो जो ये दया धर्म बताया गया, जीवों पर दया बताया गया, लोगों पर बताया गया, जिसमें जीव है
वही अपनी दया समझो कि अपने जीव पर करना है, इसको मुक्ति मोक्ष दिला दिया जाए। काम क्रोध लोभ अनि समझो कि अनि ये जो चार पदार्थ अनि अर्थ धन काम अकेला काम ये समझो कि इसको जीवात्मा को मोक्ष दिला दिया जाए। ये समझो प्रेमियों की अशिला धर्म है। अब उसको मोक्ष कब मिलेगा? जब ये आवाज को सुनेगी, भजन को सुनेगी, तो भजन में ये अन्य आवाज में जब ये लय होगी तब ये पहुंचेगी। तो ये तो भजन बाद में चालू हुआ, भजन बाद में चालू हुआ कब? जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे गुरु महाराज जैसे संत आए इस धरती पर, जब जीव बहुत ज्यादा नरकों में जाने लग गए, वो प्रक्रिया जो पहले लोग लागू किए थे उसके बावजूद भी लोगों के कर्म कलयुग आने पर खराब होने लग गए, कलयुग का असर ज्यादा जब हो गया, तब ऐसे समय पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे अपने गुरु महाराज प्रेमी आए थे जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने शब्द को पकड़ने का अनि समझो आवाज पकड़ने का अनि सिखाया। पहले भी जो ध्यान लगाते थे तो ध्यान में आवाज सुनाई पड़ जाती थी, पहले लोगों ने भी आवाज सुनाई पड़ जाती थी उनकी, तो यह आवाज गई नहीं है। जब आवाज से ही सब बना हुआ है तो आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन उनको कहाँ की आवाज सुनाई पड़ती थी? जिनका ध्यान लगाते थे, जिनका ध्यान लगाते थे उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। हम वो जो आवाज है वो खींच करके वहां नहीं ले जा सकते हैं, कहाँ कि जहाँ ये जीवात्मा जाने के बाद जन्म मरण से छुटकारा पा जाती है, जय गुरुदेव धाम नहीं पहुंचा सकती थी। सतलोक जिसको कहा गया, जिसको सचखंड कहा है संतों ने, वहां नहीं पहुंचा सकती वो आवाज। तो आवाज तो उनको सुनाई पड़ी लेकिन उसमें आकर्षण नहीं मिला उनको, खिंचाव नहीं मिला उनको, और थोड़ा बहुत खिंचाव मिला तो बस वहीं तक ले जाकर के छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ पाए। अब और स्पष्ट कर दें, साफ साफ बता दें आपको, देखो कोई ढोलक बजाता रहे, मंजीरा बजाता रहे, जान करताल बजाता रहे तो बाजा वो भी सुनाई पड़ेगा, लेकिन उसमें खिंचाव नहीं है। ढोलक सुन करके, नगाड़ा सुन करके कोई वहां नहीं जाता है, जल्दी नहीं जाएगा, ना आदमी जल्दी जाता है और ना जानवर जाता है। लेकिन वो बाजा जब बजता है तो आदमी क्या जानवर भी बजकर चला आता है? कौन? जो बधिक बजाता है मृगा के लिए, जो गीत गाता है, बधिक का गीत मशहूर है, उससे मृगा खींच करके चला आता है आवाज को सुन करके। बीन बजाता है कौन? सपेरा। अब बीन की आवाज को सुन करके सांप बिल में से, वो जो सुराख जिसमें रहता है, अब वो कितना गहरा सुराख रहता है आपको क्या पता है? खुदाई करोगे तो 20 फुट पर मैंने देखा कि यहां से लेकर और वहां तक सुराख बना हुआ है। सोचो आप कि ये सुराख बनाने वाले चूहे और ये जो सुराख बनाने वाले, ये कभी हिम्मत हारते हैं, ये खोदते चले जाते हैं अंदर तक और माल रखते उसमें चले जाते हैं, काट काट करके खेत का खलिहान का घर से निकाल करके ले जाते हैं, रखते जाते हैं, और जब बरसात रहती है तब उसमें बैठ करके खाते हैं, और ऐसा पेड़ा मेड़ा बनाते हैं कि जल्दी पानी जाए ही नहीं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसमें भर जाता, सांप भी नहीं बनाता है, सांप सुराख नहीं बनाता है, वो सुराख खोदता है और उसमें चला जाता है। लेकिन आवाज जब वो सुनता है, जब आवाज सुनता है तब समझो कि भग करके आ जाता है, उसमें आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। ऐसे ही उस आवाज में जो पहले लोगों को सुनाई पड़ी भजन के द्वारा, भजन जिसको कह सकते हैं, उस आवाज उनकी उनको खिंचाव नहीं मिला। जब व्यसंत आए तो इस तरह का भजन जो अभी अपने लोगों ने किया, आपको बताया गया, गुरु महाराज ने बताया, जितने भी संत आए सब लोगों ने बताया, इस तरह से भजन करने से भजन की जो आवाज है जो ऊपर से उतर रही है वो जब मिली तब खिंचाव हुआ जीवों का, बहुत लोग खींच कर चले गए। तो आप कोई शौचालय बैठे हो,
सौतेले बेटे नहीं हो, सब से क्या अंश हो, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सभी जीव उसी के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दया किस पर होती है, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा दया मनुष्य योनि पर होती है उसकी। वो स्वामी जी महाराज का ना, ने कहा ना, श्री सकल जीव मम उपजाया और सबसे अधिक मनुज मुह भाया, मनु माने मनुष्य, अब मनुष्य में आदमी औरत सब होते हैं, मनुष्य में जो आदमी औरत की श्रेणी में नहीं आते हैं आप समझो वो लोग भी होते हैं, एक वर्ग ऐसा भी होता है, न पुरुष है न स्त्री है, तो शिखंडी कहते हैं वो भी होते हैं, तो समझो कि आप सब पर दया उनकी हो रही, क्यों, क्योंकि वो तो नीचे का अंग उनका नहीं है, लेकिन ऊपर में जो ये है सब तो यहाँ से गले से सब एक जैसा ही है, तो दया यानी समझो सबसे ज्यादा मनुष्य पर होती, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, मनुष्य के अंदर विवेक जगता है, बाकी में बुद्धि नहीं है, अन्य जानवरों में बुद्धि नहीं है। अब ये जरूर है कि मन सब में है, एक तरह से मन ही हारता है, मन ही जीतता है, मन ही निराश होता है, मनोबल ही आगे आदमी को बढ़ाता है, तो मन जब ये कमजोर हो जाता है तब ये जो चित्त का चिंतन है ये खराब हो जाता है, मन उधर ले जाता है चित्त को, चित्त उसी तरह की चीजों का चिंतन करता है जिधर मन को रस मिलता है, और मन को रस कहाँ मिलता है, देखने से मिलता है, सुनने से मिलता है, खाने वाली चीजों से मिलता है, इंद्रियों के भोग से मिलता है, तो मन उसी तरफ ले जाता है, और मन ज्यादा बढ़ गया, मन को ज्यादा खुराक मिलने लग गया, तब जिस तरह से आज धान इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है, जिस तरह से मकान बनाने की होड़ लगी हुई है, एक है तो कई मकान हो जाए, लाख है तो करोड़ अरब खरब हो जाए, जिस तरह से पद प्रतिष्ठा पाने की होड़ लगी हुई है कि MLA भी बन जाओ, सरपंच भी बन जाओ, वो भी बन जाओ, ये भी पद ले लो, वो भी पद ले लो, तो जिस तरह से होड़ लगी हुई है अन्य चीजों को पाने की, इसी तरह से मन और बढ़ जाता है इन इन इंद्रियों के भोग के सुख में, तो मन जब ये बन जाता है तो चित्त उसी तरह का चिंतन करने लग जाता है, वह बुद्धि खराब हो जाती है, अब बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब तो ये इधर से दूर हटता चला जाता है, क्योंकि काल के इस देश में काल उसको फिर फंसाने के लिए ही मन से ये सब कराता है, काल और माया कराता है, तो गुरु के समर्थ गुरु के मिल जाने पर भी जो फंस जाता है, हालांकि गुरु छोड़ते नहीं, खींचते हैं, बहुत से लोग देखो ठोकर खा करके फिर सत्संगों में आते हैं, उस समय पर आते हैं, गुरु महाराज के पास मैंने देखा आए, क्या मांगने के लिए आए, धन मांगने के लिए आए, पद मांगने के लिए आए, तो गुरु महाराज की दया हो गई, धन भी मिल गया, पद भी मिल गया, अब जब पद मिल गया तब फुर्सत नहीं है आने का, धन मिल गया तो उसी में फंसे हुए हैं, गुरु महाराज के पास आने का मौका नहीं मिला, और जब नहीं था तो पाने के लिए खर्च भी ज्यादा करते रहे, दौड़ दौड़ करके आते भी रहे, और जब मिल गया तो क्या जरूरत है जाने की, भाव है, प्रेम है, भक्ति भी है, लेकिन कर समय नहीं मिल रहा है, दुकान 2 दिन के लिए बंद हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा, तो 5 से 10 99 का 100 होगा, 100 का 1000 लाख होगा, तो उसी में फंसे रह जाए, लेकिन ये पद और पैसा ये किसी का हुआ है, ये किसी का है, किसी का नहीं है, ये तो समझो बाढ़ का पानी है, खावत खर्चत मुक्ति रे संचित नरक द्वार, खाते रहने खर्च करने से ये बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, सेवा करने से पद और प्रतिष्ठा, जिस स्थान पर आदमी रहता है, जिस कुर्सी पर रहता है, अगर उस कुर्सी का धर्म का पालन करे, उस स्थान का पालन करे, जिस काम के लिए पद मिला है, जिस काम के लिए अन्य समझो ड्यूटी मिली है, वो प्रतिष्ठा अगर बनाए रखे तो वो हटेगा, नौकरी से रिटायर होने बाद फिर बुला लिया जाते,
और समय पूरा हो जाता है फिर तो फिर रख दिए जाते हैं वही। आप ये समझो कि नहीं नहीं कहते रहते कि अब हमारे बस का नहीं है, अब हम बुढ़े हो गए, लेकिन कहते हैं तुम ना लड़ो इलेक्शन, ना जाओ कहीं, चलो मंत्री तुमको बना दिया जा रहा है, सलाहकार बना दिया जा रहा है, तुम राजनीति में रहो, सलाह ही देते रहो, करते रहो, छोड़ते हैं जल्दी, अच्छे लोगों को नहीं छोड़ते, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्मनीति हो, चाहे जो हो, तो उसमें लोगों को उसमें छोड़ते नहीं है जो अपने धर्म का पालन करते हैं। तो गुरु महाराज की बात बता रहा था, लेकिन वो उस चीज का ध्यान नहीं रखे, सत्संग मिला नहीं उनको, सत्संग अगर सुने भी आते भी रहे तो बस वही इच्छा उनके अंदर बनी रही, पद पैसे की इच्छा बनी रही, और अगर सुने भी तो भूल और भ्रम का देश है, भूल गए। लेकिन जब ये कहा आपको बताया, ये किसी का रहा ध्यान अगर नहीं रहा तो नहा रहा, प्रारब्ध को अगर भूल करके आदमी और ज्यादा खाने पाने की कोशिश किया तो ज्यादा जैसे कोई खा लेता है रोग हो जाता है, ऐसे रोगी होगी। और आप समझो जब जब धन चला गया, जब पद चला गया, तब तौल करके आए, तब आए हुए, अब बड़ी खराब हालत है, बड़ा मुश्किल है, ऐसे भी आए, बार बार आते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, बार बार आते थे, कहते सबको पद मिल जाए, पद मिल जाए, दया हो गई, मिल गई, मिल गया पद, अब मिल गया तो गाड़ी घोड़ा सब बेच दिया, अब घर भी बोले अब तो बंगला मिल गया, अभी छोटे से घर की क्या जरूरत है, और रहने लगे, बंगला मिल गया, ठाट बाट हो गया, सब गाड़ियां चलने लग गई, सुरक्षा की आगे पीछे लाइट जल वाली गाड़ियां सब चलने लग गई, लेकिन उतरे सबका समय एक जैसा तो रहता नहीं है, वही अर्जुन और वही बाण ने क्या कमाल दिखाया महाभारत में। लेकिन जब महाभारत खत्म हो गया और शक्ति जो उनको मिली थी वो शक्ति जब खिंच गई तो गोपन लोटी भेरन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन और वही बाण, और उनके मौजूदगी में भीड़ ने गोपिकाओं को लूट किया था, ये इतिहास बता रहा है। तो अब आप ये समझो, तब जब आए उस समय पर, तब बोले गुरु महाराज, भाई असली चीज को जो छोड़ देगा, भजन भाव भक्ति को जो छोड़ देगा, उसका कैसे काम बनेगा, तो अब उसमें लग जाओ। अब उम्र तो हो गई खत्म, आए थे तो जवानी थी, अब उम्र खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले पड़ गए, अब क्या भजन भाव भक्ति हो पाएगा। लेकिन गुरु अनशंभु जिसको पकड़ते हैं, कल आपको बताया था, शाम के सत्संग छोड़ते नहीं, गुरु छोड़ते नहीं। अब गुरु के आदेश को अगर उस समय भी जो लोग पकड़ लिए वो संभल गए। देखो कहा गया है कि संतों के पास से कोई खाली नहीं लौटता है, मिलता है, और जो चीज की इच्छा लेकर के आता है वो मिलता है। अब अगर मान लो भाग्य में नहीं है तो मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये चीज उस समय समझ में नहीं आती है, क्या हमारे भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है, हमारा कर्जा नहीं है किसी पुत्र से, परिवार से, बहु से, नाती पोता से, हमारा कर्जा नहीं है, लेना देना नहीं है। ये चीज अगर सत्संग से समझ में आ गई तब तो समझो घर से आई हम मन थोड़ा हटने लगेगा, लेकिन ये चीज हटती नहीं है, क्यों? क्योंकि बराबर सत्संग मिलता नहीं है, और समाज में जब लोग जाते हैं तो उसी तरह का दिल दिमाग हो जाता है। मोटे तौर से समझा गया स्पष्ट रूप से, मान लो किसी के बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, अब आया तो बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अब मालूम प्रारब्ध में नहीं है, लेना देना नहीं है, तो बच्चा पैदा हो जाए तो यही दिमाग में रहेगा, वो यही बार बार कहेगा, सत्संग में भी सुनेगा, सत्संग भी सुनेगा, तो सत्संग में भी मन लगा रहेगा, और हर चीज का जिसका आदमी का ये होता है, ये चीज हमको मिल जाए, ये चीज हमको चाहिए, कैसे भी मिल जाए, यही दिमाग में आदमी क्या जाता है, ये मानव की प्रवृत्ति होती है, कैसे भी हो किसी चीज का हमको कुछ भी करना पड़े, फल हमको इसका मिल जाए, मान लो मिल गया, मिल गया, तय हो गई,
मेहनत किया, सेवा किया, सेवा से भजन से सब कुछ संभव है। दया हो गई तो हो गई, लेकिन संतुष्टि उससे फिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लो एक पौधा निकाल कर दूसरी तरफ लगाया गया। अब ये कोई जरूरी है कि आप कहो हम बादाम यहाँ पेड़ लगा लेंगे, उगा लेंगे, आप कहो काली मिट्टी में पैदा होने वाला अनाज हम यहाँ इस मिट्टी में पैदा कर लेंगे, कोई जरूरी है? पैदा होना कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पैदा ही हो जाए। पौधा लगा लोगे तो लग तो जाएगा, लेकिन फल देना जी। हाँ, समझो कि जब जलवायु उसको जलवायु पर उसका असर पड़ेगा तब तो पौधा फल देगा। ऐसे होता है कि मान लो इधर उधर कहीं बच्चा पैदा भी हो गया तो या तो रोगी रहेगा, लूला लगला पैदा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी वो एक तरह से वफादारी में नहीं रहेगा कि जो कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के प्रति बच्चे का, उसका पालन ही करता हो तो या तो ऐसा हो जाता है, अगर नहीं मानता है जो भी करता है तो ऐसा होता है, और या नहीं अगर मिला और बराबर सत्संग सुनता रहा और आदेश का पालन करता रहा, भजन ध्यान करता रहा, तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर वो चीज असल में समझ में आ जाता है। असल है समझ में आ जाता है कि असल क्या है। असल यह है सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे ए उमा ए पार्वती, सत तो प्रभु का भजन भगना, इस दुनिया संसार से मुख मोड़ना और शब्द को पकड़ करके ऊपर जाना, यही सत्य है, बाकी तो जगत मिथ्या है, यह सुपनवट है, सपने की तरह से है। जैसे सपने पर राजधन जात न लागे वार, सपने में राजा कोई बन जाए, सुबह होते ही एक दिन भी नहीं यानी बीतता है और वो राज खत्म हो जाता है। आंख खुलते ही राज खत्म हो जाता है, आंख बंद थी जब तक तब तक राजा था सपने में, और आंख खुली तो ये खत्म हो गया, ये सुपनवट है। ऐसे ही जब आंख अंदर की खुलेगी तब ये सुपनवट दिखाई पड़ेगा। सत्य तो क्या है कि भजो भगो इस दुनिया से, प्रभु के नाम को शब्द को पकड़ो और निकलो अपने देश चलो। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है, अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो के बताने लगेंगे तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। और देखो प्रहलाद का क्यों नाम है, प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं चार पांच दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते, कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई, और नहीं तो होलिका जला डालती इनको, खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
7560070. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।